हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एरे एंड स्ट्रिंग इन मल्टी डायमेंशनल एरे। देखिए, इसमें क्या होता है कि ए स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वन डायमेंशनल करेक्टर टाइप एरे। ये तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं, और उसमें हर एक करेक्टर जो होता है विद इन द स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड विद इन वन एलिमेंट ऑफ द एरे। अब उसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ये जरूरत होती है कि द करेक्टर्स विद इन ए स्ट्रिंग बी प्रोसेस्ड इंडिविजुअली, और कुछ प्रॉब्लम्स में ये रिक्वायरमेंट होती है कि स्ट्रिंग बी प्रोसेस्ड एज ए कंप्लीट एंटिटी। सच प्रॉब्लम्स कैन बी सिंप्लीफाइड कंसिडरेबली थ्रू द यूज स्पेशल स्ट्रिंग ओरिएंटेड लाइब्रेरी फंक्शन। तो मतलब जब स्ट्रिंग को आपको एज ए होल हैंडल करना होता है, तो उसमें फिर आपको स्ट्रिंग ओरिएंटेड जो है कुछ लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग है उसको हम सॉर्टिंग करते हैं यूजिंग ए टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। यानी कि सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि हम का कि क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स अल्फाबेटिकली, अल्फा बेटिकली यूजिंग ए टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे का यूज करके हमारे पास जो एक लिस्ट है स्ट्रिंग्स की, अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग्स की, उसको हमें शॉर्टिंग करनी है। तो अब इसके लिए जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो देखिए, जैसे सबसे पहले मान लीजिए हमने कमेंट लाइन लिखा, और कमेंट लाइन में हमने लिखा कि शॉर्ट ए लिस्ट ऑफ, शॉर्ट ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स अल्फा बेटिकली यूजिंग ए टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, तो हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, फिर हमने लिखा इंक्लूड stdlib.h, और तीसरी हेडर फाइल हमने इंक्लूड की, तो हमने कहा इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ये तीन फाइल इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, तो यहाँ हमने लिखा void reorder, ये फंक्शन का नाम हो गया। और इसके अंदर जो आर्गुमेंट हमने पास किए वो हमने लिखा इंटीजर एन कॉमा करेक्टर, एक्स के नाम से स्ट्रिंग है एक्स, और यहाँ हमने लिख दिया 12। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये हमने यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, अब यहां से हमने शुरू किया मेन इंटीजर आई कॉमा एन इक्वल टू 0, फिर हमने कहा करेक्टर एक्स, अब एक्स में हमने ले दिया 10 और लेंथ इसकी दे दी 12। ठीक है, अब प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ एंटर ईच स्ट्रिंग ऑन ए सेपरेट लाइन बिलो, हमने कहा एंटर ईच स्ट्रिंग ऑन ए सेपरेट लाइन
बिलो, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फिर हमने कहा प्रिंट एफ टाइप स्लैश, फिर हमने लिखा एंड स्लैश व्हेन फिनिश्ड, व्हेन फिनिश्ड, ठीक है। और फिर स्लैश एन और कोट्स क्लोज सेमी कॉलन। अब रीड इन द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, अब हमने यहां पे कमेंट लाइन लिखा रीड इन द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, कि स्ट्रिंग्स को यहां पे हम रीड करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा कि हमने लिखा डू प्रिंट एफ स्ट्रिंग, प्रिंट एफ यहां हमने लिखा स्ट्रिंग परसेंटेज डी कॉलन कोट्स क्लोज्ड कॉमा, यहां पे हम लिखा n+1, n+1, ठीक है। फिर स्कैन एफ किया हमने, स्ट्रिंग को एंटर किया, स्कैन एफ परसेंटेज s कोट्स क्लोज्ड कॉमा xn, और ये हमें तब तक करना है व्हाइल स्ट्रिंग कंपैरिजन, व्हाइल हमने लिखा strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन xn++ कॉमा एंड, ये तब तक हमें करना है जब तक कि ये एंड ना हो जाए, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे कि एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एन, इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। तो हमने लिखा एन माइनस माइनस और सेमी कॉलन, ठीक है। अब उसके बाद रीऑर्डरिंग करेंगे, तो हमने लिखा रीऑर्डर द लिस्ट ऑफ स्प्रिंग, द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। यहां हमने लिखा रीऑर्डर एन कॉमा एक्स, फिर हमने यहां लिखा डिस्प्ले द रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, द रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब जो रीऑर्डर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगा उसको हम प्रिंट एफ कराएंगे, तो यहां लिखेंगे प्रिंट एफ कोट्स क्लोज, ये हो गया स्लैश एन रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स स्लैश एन, ये हो गया। अब यहां हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन एन और प्लस प्लस आई, ये हो गया। और यहां हमने लिखा प्रिंट एफ कोट्स क्लोज स्लैश एन, या लिखेंगे स्ट्रिंग परसेंटेज डी कॉलन परसेंटेज एस कोट्स क्लोज्ड कॉमा आई प्लस वन कॉमा एक्स आई, ये हो गया। यहाँ पे हमारा ये मेन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसमें जो हमने फंक्शन यूज किया है रीऑर्डर का, उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा देखिए void, इसको कायदे से लिख लीजिए, यहाँ हमने लिखा void reorder,
इंटीजर एन कॉमा करेक्टर एक्स और 12, ठीक है, ये हो गया रीअरेंज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यहां पे हमने लिख दिया रीअरेंज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब हमने लिखा करेक्टर टेम्प 12, करेक्टर ये हमने टेम्पररी करेक्टर लिया, ठीक है। फिर इंटीजर आई आइटम, इंटीजर आई आइटम, फिर हमने यहाँ पे लिखा फॉर आइटम इक्वल टू जीरो, आइटम इज लेस देन एन, और यहाँ पे लिख लेस देन एन माइनस वन, और यहाँ पे हमने लिखा प्लस प्लस आइटम, ठीक है। यहां हमने लिखा फाइंड द लोएस्ट ऑफ ऑल, फाइंड द लोएस्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग स्ट्रिंग्स, रिमेनिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है। फिर हमने यहां लिखा फॉर आई इक्वल टू आइटम प्लस वन, प्लस वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, प्लस प्लस आई। अब यहां पे हमने चेक करेंगे कि इफ स्ट्रिंग कंपैरिजन, इफ strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन एक्स आइटम, एक्स आइटम कॉमा एक्स आई इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये है तो क्या करना है, तो हमें ये करना है इंटरचेंज द टू स्ट्रिंग, हमें इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज द टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो अब यहां हमने लिखा str स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करेंगे, temp कॉमा x आइटम, फिर स्ट्रिंग कॉपी x आइटम में कॉमा xi, और फिर आ जाएगा आपका स्ट्रिंग कॉपी में strcpy, फिर आ गया आपका xi कॉमा temp, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इफ स्टेटमेंट पूरा, फिर इसको हम रिटर्न करा देंगे और यहाँ पे हमारा फंक्शन पूरा हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा कि द स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन अपीयर्स इन टू डिफरेंट प्लेसेस इन दिस प्रोग्राम, इन मेन व्हेन टेस्टिंग फॉर ए स्टॉपिंग कंडीशन एंड रीअरेंज व्हेन टेस्टिंग फॉर द नीड टू इंटरचेंज टू स्ट्रिंग, द एक्चुअल स्ट्रिंग इंटरचेंज इज कैरीड आउट यूजिंग स्ट्रिंग कॉपी। तो द डायलॉग रिजल्टिंग फ्रॉम ए टिपिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो अब इसमें जो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए जो डिस्प्ले आएगा वो इस तरह से आएगा कि सबसे पहले तो ये लिखा हुआ आएगा एंटर ईच स्ट्रिंग ऑन ए सेपरेट लाइन बिलो, पहले तो ये लाइन आएगी, फिर उसके बाद आएगा टाइप एंड व्हेन फिनिश्ड, व्हेन फिनिश्ड, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, टाइप एंड व्हेन फिनिश्ड, उसके बाद जब आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे तो जैसे स्ट्रिंग वन, ठीक है, फिर स्ट्रिंग टू, फिर ऐसे लिख लीजिएगा स्ट्रिंग थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मान लीजिए नाइन टेन और इलेवन में एंड हो जाएगा। तो ये ऐसे स्ट्रिंग फोर स्ट्रिंग फाइव स्ट्रिंग सिक्स स्ट्रिंग सेवन स्ट्रिंग एट स्ट्रिंग नाइन स्ट्रिंग टेन और ये आ जाएगा आपका स्ट्रिंग इलेवन। ठीक, फिर ये कॉलम लगा दीजिए सब पे, ठीक है, और जो वैल्यू आप एंटर करेंगे वो यहाँ अंडरलाइन से दिखा, जैसे मान लीजिए आपने एंटर किया पैसिफिक, तो ये आ गया पैसिफिक, ये आपने एंटर किया, फिर आपने एंटर किया एटलांटिक, तो ए टी एल ए एन टी आई सी एटलांटिक, फिर आपने किया इंडियन, तो ये हो गया आई एन डी आई ए एन इंडियन, फिर हो गया आपका कैरिबियन, ये हो गया सी ए आर बी सी ए आर आई बी ई ए एन, ये हो गया कैरिबियन एंटर हो गया। फिर आपने कहा बीरिंग बी ई आर आई एन जी, नेक्स्ट इज ब्लैक, ये हो गया, फिर आपने कहा नेक्स्ट इज रेड, ये हो गया, फिर आपने कहा नॉर्थ एन ओ आर टी एच नॉर्थ, फिर है आपका बाल्टिक बी ए एल टी आई सी बाल्टिक हो गया, फिर नेक्स्ट है आपका कैस्पियन सी ए एस पी आई ए एन कैस्पियन, और लास्ट में ये आपका आ जाएगा एंड। ठीक, तो ये वैल्यूज आपने एंटर कर दी। अब इसके बाद क्या होगा कि जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, फिर जो रीऑर्डर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगा वो इस तरह आएगा, देखिए रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, वो किस तरह आ जाएगा, फिर ऐसे आएगा आपका स्ट्रिंग वन कॉलन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, तो ये रीऑर्डरिंग होने के बाद ये आपका जो स्ट्रिंग्स आ जाएंगी वो आ जाएगी इस तरह, सबसे पहले आ जाएगा आपका एटलांटिक, ठीक, फिर आ गया आपका बाल्टिक, फिर नेक्स्ट आएगा बियरिंग, फिर नेक्स्ट आएगा आपका बियरिंग के बाद, या ए नहीं है, है ना, फिर बियरिंग के बाद आ जाएगा आपका ब्लैक, फिर नेक्स्ट हो गया आपका कैरिबियन सी ए आर आई डबल बी ई ए एन कैरिबियन, ये अल्फाबेटिकली देखिए अपने आप उसी ऑर्डर, फिर आएगा आपका कैस्पियन, ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंडियन, नेक्स्ट हो गया नॉर्थ, फिर आ जाएगा आपका पैसिफिक और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका रेड। तो इस तरह से ये अपने आप रीअरेंज हो जाएगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करके आप किसी भी अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग्स को आप रीअरेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।